अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मियां तलहा नेटवर्क एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी नोट 10 5G के लिए जो एक लेटेस्ट अपडेट रोल आउट की गई है ग्लोबल इंडियन एंड इंडोनेशियन रीजन, इनके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको क्या न्यूज़ देखने को मिलेगा और ये अपडेट अगर आपको नहीं मिली तो अपने मोबाइल में आप किस तरह मैनुअली तौर पर इसे फ्लैश कर सकते हैं, आगे चलकर वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो रिसेंटली जो है रेडमी नोट 10 5G के लिए जो है एक नई सिस्टम अपडेट जो है वो रोल आउट की गई है 13.0.3, जिसमें आपको जो है अगर बात करें कि किस किस रीजन में ये अपडेट आई है, तो सबसे पहले ग्लोबल रीजन की बात करें तो 13.0.3 इधर आपको नजर आ रहा होगा SKSMIXM। तो ये ग्लोबल रीजन के लिए 13.0.3 की अपडेट आई है, जिसमें आपको जो है एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है आपको कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिलती हैं और सिक्योरिटी पैच इधर आपको साफ नजर आ रहा है 9th मंथ का, मतलब कि सितंबर का एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है। और इंडिया में ये अपडेट कुछ 532 MB की रोल आउट की गई है, जिसमें आप अगस्त का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा और इंडोनेशिया में भी जो है सेम आपको इधर अगस्त का ही सिक्योरिटी देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल में जो है एक अपडेट जो है हमेशा में जो है आगे रहती है और दूसरे रीजन में जो है वो अपडेट एक स्टेप पीछे होती है। तो ग्लोबल में सबसे पहले ये अपडेट आती है और ये एक स्टेबल रिलीज है, बीटा रिलीज नहीं है, स्टेबल रिलीज है। इसमें काफी सारी इंप्रूवमेंट जो है आपको देखने को मिलती है, कुछ लैग वगैरह भी इसमें फिक्स किया गया है सिस्टम का और एक सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट आपको दे दिया गया है। इस अपडेट की फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये रेडमी नोट 10 5G जो है ग्लोबल नेम है और रेडमी नोट 10 T5G ये एक इंडियन नेम है। दोनों डिवाइसेस सेम है लेकिन रेडमी नोट 10 T5G चाइना और इंडिया में इस नेम से लॉन्च हुई है और ग्लोबल में ये डिवाइस जो है रेडमी नोट 10 5G के नाम से लॉन्च की गई है और इसको कुछ पोको M4 इस तरह का कुछ नेम भी इसका लेते हैं। तो इसकी अपडेट की फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फाइल डाउनलोड कर लें। जो मैं आगे मेथड बता रहा हूँ उस मेथड से फ्लैश करें तो 100% जो है फाइल आपके मोबाइल में फ्लैश हो जाएगी अगर आपको ये अपडेट मैं OTA से नहीं मिली। तो आगे जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो मेथड जो है वो जब OTA अप्लाई फाइल की बारी आती है तो वो मेथड 100% जो है वर्क करता है और जब बीटा फाइल की बारी आती है, अगर मैं बीटा फाइल की वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ कि ये बीटा फाइल है तो मैं ये भी मेंशन करता हूँ कि आपको सबसे पहले जो है MI के बीटा प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करना पड़ता है, फिर जो मैं आगे मेथड बता रहा हूँ फिर वो वर्क करता है। और कुछ लोग जो है वो बीटा प्रोग्राम पर रजिस्टर नहीं करते और वीडियो में आकर कमेंट करते हैं कि ये मेथड आपका जो बताया वो वर्क नहीं कर रहा, वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि प्रॉब्लम आती है, कहते हैं कि अपडेट इज नॉट योर डिवाइस कैन नॉट अपडेट टू बीटा वर्जन। तो ये अपडेट जो है वो ये आपको एरर उसी वक्त देखने को मिलता है जब आप जो है अपना बीटा प्रोग्राम पर रजिस्टर नहीं करते। तो मैं जब भी जो है कोई अपडेट आने वाली हो आप सबसे पहले बीटा प्रोग्राम पर रजिस्टर कर लें और शोमी के बीटा प्रोग्राम पर अपने डिवाइस को कैसे रजिस्टर करना है मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो है रेडमी नोट 10 5G के लिए 13.0.3.0 की अपडेट, ये एक स्टेबल अपडेट है, OTA अप्लाई अपडेट है। इसकी फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको आगे मेथड बताऊंगा उस मेथड से जो है आप अपडेट कर सकते हैं इजीली, कोई एरर नहीं आएगा। तो लेट्स जंप टू द फ्लैशिंग मेथड। तो आपके पास शोमी का कोई भी मोबाइल हो, कोई भी वर्जन हो, आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, अगर आपको तो OTA के जरिए अपडेट मिल गए फिर तो ठीक है, आप OTA से सिंपल डाउनलोड करें, फ्लैश करें। अगर आपको OTA अपडेट नहीं मिली और आप वेट नहीं कर सकते तो आपने जस्ट क्या करना है, अपने अपने खुद सिस्टम के बॉड फोन में जाना, बॉड फोन में जाने के बाद MIUI वर्जन में जाना है और वर्जन पर जाने के बाद आपने इधर 3 डॉट पर जाना है, 3 डॉट में जाने के बाद आपने चूज़ अपडेट पैकेज में जाना है। अगर आपको इधर चूज़ अपडेट पैकेज नज़र आ रहा है फिर तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप ये 12 वाले लोगों पर 10 से 12 बार क्लिक करें स्पीड के साथ, ये चूज़ अपडेट पैकेज आपका अनलॉक हो जाएगा। इस पर जाने के बाद आपने इंटरनल स्टोरेज के उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने OTA अप्लाई फाइल डाउनलोड की है। इस मेथड से आप ट्राई करें कि OTA अप्लाई फाइल ही फ्लैश करें। रिकवरी फाइल हाल अगर आप रिकवरी फाइल डाउनलोड की है तो वो भी कुछ मोबाइल में वर्क करती है, कुछ मोबाइल में वर्क नहीं करती, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि रिकवरी फाइल की बजाय आप OTA अप्लाई फाइल मेरे दिए हुए लिंक पे या किधर कहीं से भी आपने अगर अपडेटेड वर्जन आपके मोबाइल का अपने मोबाइल का OTA अप्लाई वाले लिंक से डाउनलोड किया है तो आप OTA के जरिए इस मेथड के जरिए वो फाइल इजी फ्लैश कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई भी आपके मोबाइल को नुकसान नहीं होगा। रिकवरी फाइल भी आप फ्लैश कर सकते हैं लेकिन वो कुछ मोबाइल पर वर्क नहीं करती, तो आप OTA अप्लाई फाइल ही इस मेथड से प्लीज़ अप्लाई करें।
और कोई रिस्क ना लें। वैसे वो अगर आप रिकवरी फाइल पे फ्लैश करेंगे तो उससे कोई डैमेज नहीं होगा, कुछ मोबाइल पे वो वर्क कर जाएगी और कुछ पे वो वर्क नहीं करती और कोई वो डैमेज कोई भी नहीं देगी आपके मोबाइल को। अगर आपने इस तरह इस मेथड से आपने क्या करना है, अपने इंटरनल स्टोरेज के उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने OTA फाइल डाउनलोड करके रखी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक ये सैम्पल फाइल डाउनलोड की है, तो आपने इस तरह आपके सामने एक जिप फाइल आएगी जो आपने डाउनलोड करनी है, उसको उधर प्लेस करना है जिस फोल्डर में आप इजीली फाइंड करें। तो मैंने अपने मिसाल के तौर पर इस फोल्डर में डाउनलोड करके रखी है, तो मैं क्या करूँगा उस अपडेटेड फाइल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ये ओके का फोर नज़र आ रहा है, आपने जस्ट ओके पे क्लिक करना है। ओके पे करने के बाद ये गेटिंग इन्फो करेगा, गेटिंग इन्फो करने के बाद ये आपका मोबाइल खुद ही डिक्रिप्टिंग स्टार्ट होगी और आपसे रीबूट का ऑप्शन मांगेगा। आपने जस्ट रीबूट पे क्लिक करना है, रीबूट करने के बाद आपका मोबाइल खुद सारा प्रोसेस करेगा अपडेटिंग का, और अपडेट होने के बाद मोबाइल स्टार्ट होगा और आपका मोबाइल अपडेट हो चुका होगा। तो गाइस ये था फ्लैशिंग मेथड, मैंने अपडेटिंग फाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ग्लोबल के लिए भी, इंडियन यूजर्स के लिए भी और इंटरनेशनल यूजर्स के लिए भी। तो मेथड सेम है, फाइल अलग अलग है, अपने रीजन की फाइल डाउनलोड कर लें रेडमी नोट 10 5G वाले यूजर्स, और जो है जो मेथड बताया इस मेथड से जो है वो फ्लैश कर लें, आपका मोबाइल जो है MIUI 13 की लेटेस्ट अपडेट पर अपडेट हो जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाजमी लाइक करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह की मजीद वीडियोज़ जो है वो अपडेटिंग की आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और आप जो है MIUI 14 के कुछ फीचर्स लीक हुए हैं नेक्स्ट उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और हमारा Xiaomi का फेसबुक का और टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लें, उस पर जो है मैं पहले अपडेट देता रहता हूँ, और बीटा वगैरह जो है अपडेट आती है वो भी मैं उधर दे देता हूँ, और आप जो है उधर जो है पोस्ट देकर बीटा प्रोग्राम पर भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने Xiaomi डिवाइसेज को, तो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, सी यू लेटर।